हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो ईसीएस स्टेट एंड ड्रेसडन का आज के दिन का यहाँ पर तीसरा मुकाबला होगा जो खेला जाएगा बर्लिन सीसी और बर्लिन क्रिकेट एकेडमी के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा। बस आपको ये वीडियो जो है ना पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम मिलेगी, ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर मिलेगा और कोई भी अगर बड़ी अपडेट आती है तो वो भी आपको वहीं पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर मैच के बारे में, तो यह मैच 4 बजे स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा रग्बी क्रिकेट ड्रेसडन में। और ये जो मैच है भाई, पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो आर्टिफिशियल विकेट हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। एवरेज स्कोर 90 से 100। अब तक 20 मैचेस हुए हैं, 8 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 10 में 6 हुए हैं और 2 मैच नो रिजल्ट रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर देखो टॉस का ना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता, चाहे टीम टॉस जीत कर बैटिंग फर्स्ट करे या फिर बैटिंग सेकंड करे। अब देखो पहले बात करेंगे अपन यहाँ पर बर्लिन सीसी की टीम की। तो बर्लिन सीसी की जो टीम है इनकी तरफ से ओपन करेंगे अभिलाष आनंदरम और उनके साथ में आएंगे सागर कटारिया। तो देखो अभिलाष की अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर, तो अभिलाष का देख सकते हो आप T10 में 9 मैच में सिर्फ 44 रन है, लेकिन इसने 2022 T20 में 12 मैच में 272 रन किए हैं और एक बहुत अच्छा पिक आपके लिए रहेगा, ध्यान रखना यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से तो मिस नहीं कर सकते। सागर कटारिया की बात करूँ तो इसने 14 T10 के मैच खेले, उसमें 257 रन किए 23 के शानदार एवरेज से। 2022 के अंदर इसने 4 मैचेस खेले, उसमें 73 रन है, 18 का एवरेज है और 1 विकेट है 6 ओवर डाल के। तो ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है 2022 का, लेकिन दो T10 का रिकॉर्ड अच्छा है तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। निक क्रेगर आएगा यहाँ पर, लेफ्ट हैंड बैटिंग राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है। अब देखो ये ना बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करता है, 7 T10 में 100 रन है और 11 विकेट है इसके नाम 13 ओवर डाल के। तो मतलब 7 मैच में 13 ओवर, मतलब लगभग 2 ओवर हर मैच में है। और 2022 T20 में 4 मैच में 57 रन इसके नाम है और यहाँ पर 5 विकेट भी है। तो काफ़ी तगड़ा रिकॉर्ड है निक क्रेगर का, मस्ट पिक आपके लिए यहाँ पर होने वाला है। फिर आएंगे ऐसे साहिल लाल जो कि आपको बैटिंग सेक्शन में मिल जाएंगे, 9 T10 में इनके नाम 94 रन, 15 का एवरेज ठीक ठाक रिकॉर्ड है। 2022 T20 के अंदर 10 मैच में 231 रन, 23 का एवरेज, 1 विकेट है जो कि काफ़ी शानदार रिकॉर्ड है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर आएंगे ऐसे जितेंद्र वशिष्ठ जो कि राइट हैंड बैटिंग लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, 2022 के अंदर 2 T20 के मैच में 10 रन किए और 2 विकेट इनके नाम है 5 ओवर डाल के। उतना तगड़ा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक ठाक रिकॉर्ड है। आवेश जफर टीम का एक इम्पोर्टेंट बॉलर है, कभी कभार ऊपर भी बैटिंग कर लेता है, 11 T10 में 45 रन, 9 विकेट इसके नाम है। जबकि बात करूं मैं यहाँ पर 2022 T20 की, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7 मैच में 75 रन, 2 विकेट इसके नाम है 19 ओवर डाल के। तो 2022 का भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है और मेरे हिसाब से अच्छा प्लेयर है। मनीष तिवारी की बात करूँ तो 9 T10 में 36 रन, 0 विकेट है, जबकि 2022 T20 में 10 मैच में 75 रन, 4 विकेट है, तो ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाता ये। सद्दाम गिल के नाम 13 T10 में 68 रन, 8 विकेट है, 9 ओवर डाल के, मतलब 13 मैच में 9 ही ओवर डाले हैं, ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाई है, जबकि 2022 T20 में 11 मैच में 148 रन, 12 विकेट है। तो T20 का तो रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन T10 का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। करण सिंह एक स्पिनर है, इसके नाम 13 T10 में 12 विकेट है, 11 ओवर डाल के, जबकि 2022 T20 में 10 मैच में 3 विकेट है, तो उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। अक्षय गिरधर 3 मैच में 1 विकेट है और इमरान बुखारी टीम का इंपॉर्टेंट बॉलर है, जिसके नाम 9 मैच में 9 विकेट है T10 में और 10 मैच में 6 विकेट है T20 में। तो यहाँ से ना जो मेरे को इनके इंपॉर्टेंट बॉलर नज़र आ रहे हैं वो हैं देखो निक क्रेगर हैं, आवेश जफर हैं, इसके अलावा मेरे हिसाब से यहाँ से इमरान बुखारी हैं। इसके अलावा जो बाकी के ओवर हैं वो डालेंगे करण सिंह, अक्षय गिरधर, यहाँ से मनीष तिवारी हो गए, तो ये सब मिलके बाकी के 4 ओवर डालेंगे। अभी के लिए देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे अभिलाष, सागर कटारिया, निक क्रेगर, साहिल लाल भी बैटिंग सेक्शन से अच्छा पिक है, आवेश जफर, इमरान बुखारी। इसके अलावा अगर आपको एक और प्लेयर रखना है तो आप करण सिंह को यहाँ पर ट्राई करने का सोच सकते हो। बेंच पर जो उनके प्लेयर हैं उनके भी स्टेट्स देख लो, तो चिराग मुखर्जी हैं, इसके नाम 2022 T20 में अगर मैं आपसे बात करूं तो 6 मैच में 99 रन, 16 का एवरेज, 1 विकेट है, 1 ओवर डाल के। मोहित रहेजा के नाम 2022 T20 में 5 मैच में 26 रन, 1 विकेट है, 6 ओवर डाल के। अता अहमद के नाम 2022 T20 में 4 मैच में 35 रन, 1 विकेट है, 4 ओवर डाल के।
इवान डाउबेल के नाम T10 में 3 मैच में 14 रन है, जबकि 2022 T20 में इसके नाम अगर आप देखोगे तो 6 मैच में 172 रन, 28 का एवरेज है और 7 विकेट है। बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है इसका T20 का, T10 का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। जॉर्डन बुनियान के नाम 2022 T20 में 1 मैच में 17 रन, 2 विकेट हैं, और त्रित त्रिवेदी के नाम 5 मैच में 4 विकेट हैं, और टॉम लॉन्ग के नाम 6 T20 में 107 रन, 6 विकेट हैं। तो हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड इनकी टीम से मैंने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि बर्लिन क्रिकेट अकेडमी की टीम की। बात करें यहाँ पर बर्लिन क्रिकेट अकेडमी की टीम की, तो यहाँ से ओपन करेंगे एहसानुल्ला अलूजाई और संदान चिंतानिप्पू। तो देखो एहसानुल्ला अलूजाई जो है ना, इसने 2022 के अंदर 6 T20 के मैच में 129 रन किए, 43 के एवरेज से और 2 विकेट है 10 ओवर डाल के। जबकि अगर मैं बात करूँ इसके डोमेस्टिक T10 मतलब जो T10 का इन्होंने क्लब लेवल पे जो मैच खेले हैं उसमें अगर आप देखोगे तो वहाँ पर इसके नाम 5 मैच में 63 रन, 2 विकेट है 5 ओवर डाल के। तो मतलब बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करवा सकता है। संदान चिंतानिप्पू बहुत तगड़ा बॉलर है। T10 में 13 मैच में 20 रन, 6 विकेट हैं। 2022 T20 में 9 मैच में 93 रन, 7 विकेट हैं। और D10 में यानी कि डोमेस्टिक T10 में 4 मैच में 65 रन, 7 विकेट है। तो बिल्कुल टीम में रखना है इसको अपन को। जान अलूजाई की बात करूँ तो 2022 T20 में 9 मैच में 165 रन, 18 का एवरेज, 0 विकेट है, जबकि डोमेस्टिक T10 में 3 मैच में 39 रन है, जो कि ठीक ठाक रिकॉर्ड है मेरे हिसाब से। फिर आएंगे ऐसे वैभव पाटिल, ये भी एक ऑलराउंडर हैं। T10 में इसके नाम 8 मैच में 79 रन, 4 विकेट हैं, 8 ओवर डाल के, जबकि 2022 T20 में 11 मैच में 152 रन, 8 विकेट है, 36 ओवर डाल के। और डोमेस्टिक T10 का रिकॉर्ड देख लो, 5 मैच 84 रन, 21 का एवरेज, 7 विकेट है। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वैभव पाटिल भी। फिर आएंगे ऐसे वेंकटेश लक्ष्मी नारायण, इनकी बात करूँ तो इनके नाम अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 2022 T20 में 9 मैच में 198 रन, 28 का एवरेज, 7 विकेट है, 5 ओवर डाल के, जबकि डोमेस्टिक T10 में 5 मैच में 70 रन, 17 का एवरेज है। फिर आएंगे ऐसे शुभम पाटिल, 2022 T20 में 11 मैच में 234 रन है, डोमेस्टिक T10 में 5 मैच में 43 रन है। अगर देखो ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। शिवा राजेंद्रन के नाम 2022 T20 में 10 मैच में 116 रन है, जबकि डोमेस्टिक T10 में इसके नाम 5 मैच में सिर्फ 44 रन है, तो उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। फिर आएंगे ऐसे मुगिल विश्वनाथ, इनके नाम 2022 T20 में 9 मैच में 127, जबकि डोमेस्टिक T10 में 5 मैच में 40 रन है। यहाँ से आएंगे मोहन राजा रामदूस, इन्होंने ना देखो 2022 T20 में 5 मैच में 2 ही विकेट निकाले, लेकिन जो डोमेस्टिक T10 के मैच इन्होंने खेले ना 5, उसमें पहली बात तो इन्होंने पूरे 10 ओवर डाले, मतलब हर मैच में 2 ओवर डाले और 7 विकेट भी निकाले। मुस्तफ़ा मोहम्मद T10 के देखो 7 मैच में 2 ही रन है, बिल्कुल अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन फिर आप इसका रिकॉर्ड देखो यहाँ पर 2022 T20 का, तो आप देख सकते हो 9 मैच में 19 विकेट है T20 में, और डोमेस्टिक T10 में भी 5 मैच में 0 विकेट है 9 ओवर डाल के, तो बहुत अच्छा बॉलर है ये। फिर आएंगे ऐसे डेव सिलम राममूर्ति, 5 मैच खेले T20 के, 7 विकेट है, और D10 में 5 मैच में 0 विकेट है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो हैं देखो एहसानुल्ला अलूजाई हैं, संदन चिंतानिप्पू हैं, वैभव पाटिल हैं, इसके अलावा वेंकटेश लक्ष्मी नारायण भी बैटिंग सेक्शन से अच्छा प्लेयर है। अब ये जो तीनों प्लेयर हैं, प्लेयर बुरे नहीं है, लेकिन बैटिंग अगर टॉप में करेंगे टॉप फोर में तो ही काम आएंगे। और नीचे से ऐसे मोहन राजा को तो बिल्कुल आप रख सकते हो। इनके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं नीचे तो यहाँ पर मुस्तफ़ा मोहम्मद है, बाकी बेंच पर इनके काफ़ी सारे प्लेयर हैं, उनके भी स्टैट्स आप एक एक करके अच्छे से समझ लो ताकि कोई डाउट ना रहे। आशीष हैं, आशीष ने सिर्फ 3 T20 के मैच खेले 2022 में, लेकिन 3 मैच में आप रिकॉर्ड देखो 114 रन हैं, 57 का एवरेज है और 4 विकेट भी हैं 12 ओवर डाल के। तो खेलेगा तो आशीष बहुत तगड़ा प्लेयर है। अखिला राजपक्षे T10 में 12 मैच में 136 रन, 15 का एवरेज है और 0 विकेट इसके नाम है 1 ओवर डाल के, जबकि T10 में 9 मैच में 74 रन, 8 का एवरेज है 2022 T20 में। सॉरी अमित चहल के नाम 2022 T20 में 7 मैच में सिर्फ 20 रन, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। अरशाद आदिल के नाम 2022 T20 में 5 मैच में 34 रन, 3 विकेट है, 16 ओवर डाल के, जबकि डोमेस्टिक T10 के 1 मैच में 11 रन है। फिर आएंगे ऐसे बंदी साई कृष्णा, इसके नाम 2022 T20 में 6 मैच में 13 रन, 2 का एवरेज है। आएंगे ऐसे दिलदार अहमद, इनकी बात करूँ तो 2022 T20 में इनके नाम 8 मैच में 96 रन, 0 विकेट है, 6 ओवर डाल के, जबकि 21 में 5 मैच में 10 रन है। गोकुल राजा के नाम 2022 T20 में 9 मैच में 33 रन, 7 विकेट है, 17 ओवर डाल के। अहमद इमरान के नाम अगर आप देखोगे तो 2022 T20 में 1 मैच में 12 रन, 2 विकेट है, 4 ओवर डाल के, जबकि 2021 T20 में 3 मैच में 2 रन है।
जया सागर जगीर आपू के नाम 2022 टी20 में एक मैच में एक विकेट है। जोई ली डाउड के नाम 2022 टी20 में एक मैच में जीरो रन जबकि 21 में छः मैच में 31 हैं। मनोज रवि के नाम 2021 टी20 में पाँच मैच में 19 रन जीरो विकेट है। मोहम्मद कालो के नाम यहाँ पर 2022 टी20 में पाँच मैच में दो विकेट है, 16 ओवर ज़रूर डाले हैं। ओमर कदल के नाम 2022 टी20 में एक मैच में नॉट बैठे हैं और परशून बनर्जी के नाम तीन मैच में 14 रन एक विकेट है 2022 टी20 में। और सतीश हिरेमत के नाम 2022 टी20 में चार मैच में जीरो विकेट है जबकि 2021 टी20 में पाँच मैच में 97 रन 32 का इसका भी एवरेज रहने वाला है। और सिवा अकिनी अगर ये खेलेगा तो एक तगड़ा पिक आपके लिए साबित हो सकता है क्योंकि आप इसका रिकॉर्ड देख लो एक बार कितना अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है। आप देखो तो 9 टी20 के मैच में 10 विकेट है 34 ओवर डाल के। और दूसरी बात इसके नाम ना यहाँ पर डोमेस्टिक टी10 के दो मैच में दो विकेट है 3 ओवर डाल के। फिर आएंगे ऐसे स्टीव सैमुअल 10 मैच खेले हैं 2022 में टी20 में 69 रन 5 विकेट है। और सुधीर सुरेश कुमार के नाम 2022 टी20 में 6 मैच में 47 रन 8 विकेट है जबकि 21 में 2 मैच में 3 विकेट है। और तुषार बनेके के नाम 2022 टी20 में 3 मैच में 11 रन 1 विकेट है और 21 में 4 मैच 38 रन 4 विकेट है। काफ़ी बड़ा स्कोर है इनका 30 प्लेयर का, फिर भी मैंने हर प्लेयर का रिकॉर्ड आपके लिए निकाला है तो मेहनत के लिए आप एक लाइक तो कम से कम यहाँ पर ज़रूर करना। अब बात करेंगे यहाँ पर डेमो टीम की, लेकिन उससे पहले भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो और बेल वाला आइकन प्रेस कर लो। डेमो टीम में मैंने रखा है अभिलाष आनंदरन को, बैटिंग सेक्शन से रखा है सागर कटारिया, साहिल लाल, वेंकटेश लक्ष्मी नारायण को, और ऑलराउंडर सेक्शन से रखा है निक क्रेगर, वैभव पाटिल, संदन चिंतानिप्पू और मोहन राज रामदूसु को, और बॉलिंग सेक्शन से रखा है मुस्तफ़ा मोहम्मद, इमरान बुखारी और आवेश जफर को। तो ये मेरे 11 प्लेयर्स अभी के लिए रहेंगे। कैप्टन मेरे निक क्रेगर हैं, वॉइस कैप्टन शांतनु चिंतानिप्पू हैं, लेकिन फाइनल टीम जो भी होगी इस मैच की आफ्टर टॉस आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे ही। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।